हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशन नहीं मतलब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें 3.1 करना है। 3.1 करने से पहले एग्जांपल भी एक दो मैं दिखा देता हूं, करवाता हूं एग्जांपल भी, तो वो भी आप फटाफट कर लेते हैं। तो देख लो एग्जांपल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, प्यारा सा ट्रिग्नोमेट्री, वैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है आपका फंक्शन, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसकी कोई इतनी जरूरत तो है नहीं चैप्टर की, तो मैं इसे मिटाई दूंगा थोड़ी देर में। तो देख लेते एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 1, अच्छा पेज नंबर कौन सा आपका, 53, पहली बात। दूसरी बात, बुक लेके बैठना, कभी देखी है इसकी, कभी इसे देखा है? हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है, इसे आप लेके बैठना, ठीक है। तो हम शुरू कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। तो एग्जांपल नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 1 हमें बता रखा है, पूछ रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन इनटू रेडियन। इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमारा तरीका क्या होता था, देखो ये क्या है लिखा, 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो क्या हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये हमारा मिनट में, ये हमारा डिग्री में, तो हम इस मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते थे, इसे 40 डिग्री पहले इसे ब्रेक कर लेते थे 20 मिनट, फिर 40 डिग्री प्लस में 20 अपॉन में 60 इसे डिवाइड कर देते थे, डिवाइड करते हैं हमारा डिग्री में, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस में अपना 1/3 डिग्री। इसे जब आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो हमारा कुछ कितना आएगा, ओवरऑल सॉल्व करने में कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 121 अपॉन में 3 डिग्री, इतना हमारा आ जाएगा। हमारा ये किस में आया अभी, डिग्री में, तो ये हमारा आंसर आ गया। नहीं यार, ये तो डिग्री में ये भी आया है, इसे तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में तो करो, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे और हमारा डिग्री हट जाएगा। क्यों, 1 डिग्री हमारा कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो ये हमने फॉर्मूला पहले वीडियो में देखा है, नहीं देखा किसी ने वीडियो तो जाके देख लो। तो हमारा कितना आ गया, 18 × 54 = 540 रेडियन, ठीक है। तो रेडियन को हम आरएडी से भी लिखते हैं, तो इसका इस बात का भी ध्यान रखना, रेडियन हम आरएडी से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था इसमें, ठीक है। बढ़ जाते अगले एग्जाम्पल में, अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, हमें बोल रहा है 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। देख लो, कन्वर्ट 6 रेडियन टू डिग्री, 6 रेडियन दे रखा है हमें, 6 रेडियन हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते, बताया था। तो कितना हमारा जाएगा, देखो 18 × 54 और इसे और ब्रेक करो तो 22 अपॉन में 7, इसे मैंने ब्रेक करके लिख दिया, जैसे अगले स्टेप में लिख लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया, 6, ये पाई 180 अपॉन पाई, ये हमारा किस में हो गया, डिग्री में, ये हमारा डिग्री में हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, क्योंकि 6 × 180 अपॉन में पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 7 है तो हमने ऊपर लिख दिया। अब कुछ कट पिट रहा है, देखो तो ये 2 3 2 जा, ये पर 11 2 जा, और कुछ कट रहा है नहीं, तो 7 × 56 = 6, ये 7 × 3 = 21, 88 × 180 = 51 / 11 = 21, कितना जाएगा हमारा कुछ, 18 × 18 = 8, हासिल 1, 18 × 2 = 36 और 1 = 37 और 0 / 11, ऐसा कुछ अपना आ गया। ये अपना डिग्री में, अभी ये अपना डिग्री में, तो क्या ये हमारा आंसर हो गया, नहीं ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये इम्प्रॉपर फॉर्म में, ये हमारा इम्प्रॉपर फॉर्म में, तो हम इसे क्या करना है, हम इसे डिग्री को हम और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, हम इसे और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसे और फर्दर ब्रेक करेंगे। तो हमारा तरीका क्या था, पहले से मिक्स फ्रैक्शन में बनाओ, तो किस कैसे बनेगा, 11 नीचे है, 11 × 33 4 बचा 4 8, 11 × 44 4 बचा फिर से 4 0, 11 × 33 और ये अपना 7, तो यहाँ ऐसा कुछ बन गया 7, तो ये अपना कितना आ गया, 343 डिग्री प्लस में 7 / 11 डिग्री, डिग्री में ये है। अब इस डिग्री को हम क्या करेंगे, हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर देते, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो कितना आया, तो 343 डिग्री तो अपना था ही, प्लस में अपना 7 × 42 = 420 / 11 मिनट, क्या डिग्री में, नहीं मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करते हमारा मिनट में चला गया। अब देखो क्या ये कट रहा है कहीं से, नहीं ये भी नहीं कट रहा, तो हम इसे फिर से दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कब तक, जब तक हमारा सेकंड्स में ना हो जाए, या तो हमारा पूरा का पूरा कट जाना चाहिए, वरना हम इसको तोड़ते जाएंगे कब तक, जब तक हमारे पास सेकंड्स में ना बन जाए, तो सेकंड्स में बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फिर से, तो 11 है नीचे, तो 11 कितने से जाएगा, 11 × 33 = 9 0 11 × 88 = 2 बचा अपना यहाँ पर,
तो 11/88 इतना आया, ठीक है। तो ये अपना कितना आ गया, 343 डिग्री, ये अपना मिनट में, ये भी अपना मिनट में, तो और 38 मिनट प्लस में, प्लस में अपना 2/11 इतना आया, और ये अपना किस में है, मिनट में है। इसे हम क्या करेंगे, 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना ये सेकंड में चला जाएगा, और ये अपना किस में चला गया, सेकंड्स में चला गया। अब इसको सॉल्व करना है बस, क्योंकि अब इसके बाद तो कोई छोटी यूनिट इसे हो ही नहीं सकती, तो नोट कर लो इतना तो इधर का। अब इसे हम बस सॉल्व करना है हमें, कैसे भी करके अब आंसर ले आना है। अब हमारा जो आएगा हमारा आंसर आएगा, तो कितना आ गया, 343 डिग्री प्लस में 38 मिनट प्लस में कितना जा रहा है, 120 अपॉन में 11 सेकंड्स, ठीक है, सेकंड्स में ये, तो कितना आ गया अपना, 343 डिग्री प्लस में 38 मिनट। इसको हम ब्रेक कर देंगे, काट देंगे, अब पूरा पूरा काटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेकंड्स के बाद कोई और ऐसी छोटी यूनिट है नहीं जिसको हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसे काट देते हैं। तो 11 से देखो, 11 × 11 जीरो लगा के, 2 0 11 × 11 तो 10.1 समथिंग आ रहा है कुछ, 10.1 समथिंग आ रहा है कुछ, 11 × 11 अच्छा 10.9 समथिंग आएगा, 10.9 समथिंग आ रहा है, तो हम इसको 11 सेकंड्स लिख सकते हैं, 10.9 समथिंग आ रहा है, तो हम इसको 11 सेकंड्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो, तो कितना आ गया हमारा, ये 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड्स, तो ये अपना आंसर हो गया। इसको हमने क्या किया, रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, क्या, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्ट हमारा लिख दो। बट जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई तो करेंगे करेंगे, बट साथ में हम उसे तब तक उसकी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते रहेंगे जब तक ये पूरा सिंप्लीफाइड ना हो, यानी कि पूरा हमारा कट ना गया हो, पूरा हमारा कट ना गया हो, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा पूरा हमारा कटना, यानी कि क्या हो रहा है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले का वीडियो देख के आओ, उसमें मैंने पूरा बता रखा है कि क्यों हमारा कटना ज़रूरी है, पूरा मैंने अच्छे से डिटेल कर रखा है, सॉरी डिटेल बताया, डिटेल कर नहीं रखा है, हाँ मतलब एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में कर रखा है, तो जाके वो वीडियो देख सकता है, शायद दूसरा वीडियो है, हाँ दूसरा वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं हमसे, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल, पहले सर्कल बना लेते हैं जब पूछा ये, तो ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल में हम क्या पूछ रहे हैं, इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ 37.4। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री बता रहा है, 60 डिग्री सेंट्रल एंगल करीब इतना हो जाएगा, 60 डिग्री सेंट्रल एंगल हो गया हमारा ये 60 डिग्री, अच्छा इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ 37.4। आर्क की लेंथ हमें दे रखी है, एक आर्क हमें बता रखा है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, उतने एरिया को कवर कर रहा है, इंटरसेप्ट मतलब उतने एरिया को वो कवर कर रहा है, तो इतने एरिया को कवर कर रहा है वो, तो इतना जो एरिया है, यानी कि ये जो हमें आर्क है, इस आर्क की लेंथ हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 37.4 इतना हमें दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है ये रेडियस क्या है, तो पहले मान लेते हैं लेट आर बी दी रेडियस, आर हमारा क्या है, रेडियस है, पहले ये हमने मान लिया, देन आर हमने मान लिया रेडियस। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एल इक्वल्स टू में आर थीटा, आर इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में हमारा एंगल, एल हमारा क्या था, आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में एंगल, ये हमारा क्या है, आर्क रेडियस और ये अपना एंगल, और एंगल हमारा किस में होना चाहिए, रेडियन में, एंगल अपना रेडियन में अपना एंगल होना चाहिए, ये अपना एंगल रेडियन में होना चाहिए, बट हमें गिवन किस में है, डिग्री में, तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अपना क्या दे रखा है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा पाई बाई 3 आ जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन, तो अपना ये पाई बाई 3 रेडियन आंसर आ गया, पाई बाई 3 डालना है। अब देखो एल हमें क्या दे रखा है, 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर, आर हमारे पास क्या है, आर हमें निकालना है, तो और आर तो हमें निकालना है, थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। अब यहाँ से देख लो, अभी से सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, यहाँ से हमारा आर आ जाएगा, अब हमें सिंप्लीफाइड करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा आर क्या बन रहा है, 37.4 अपॉन में पाई इंटू में अपना 3, ये अपना आर बन रहा है, 37.4 इंटू में 3 अपॉन में पाई, ये अपना क्या है, आर है, रेडियस का फॉर्मूला अपना ये बन रहा है, मतलब रेडियस हमारा ऐसा कुछ आएगा, तो इसे ब्रेक कर लेते हैं और खुल जाएगा, पाई की वैल्यू खोल के देखो, तो ये क्या है, 22 अपॉन में 7, मैं इसको क्या करूँ, ऊपर चला जाएगा ये तो अपना ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसे यहीं पे ऊपर ले जा रहा हूँ, तो इंटू में 7 यहाँ पे एक और आ गया,
अब कितना जा रहा है, कुछ कट बिट रहा है, ट्राई करके देखो। ये 11 से मुझे लग रहा है जाएगा, 2 × 11, और ये 11 से देखो कितनी बार में जाएगा, 3, फिर 4, 11 चौक 3.4 आ गया। तो हमारा कितना आ गया ये 3.4, और कुछ जा रहा है, हाँ ये भी तक तो जा रहा है 2 से 1.7, 2 से ये भी हमारा कट गया, तो 1.7, तो हमारा कितना आ रहा है ये 1.7 इंटू में 21, इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 17 × 17, 17 × 17 = 34 और 135, तो अपना आंसर कितना आ गया 35.7। ये आया है, और ये क्या है अपना रेडियस है, रेडियस अपना 35.7 है। अब यूनिट हमारी क्या लगेगी, यूनिट चेक करो, देखो हमारी यूनिट यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हमारी सेंटीमीटर कैरी फॉरवर्ड होगी, यहाँ पर भी हमारी सेंटीमीटर, यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ बात बराबर है, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, फिर यहाँ पर भी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमारा सेंटीमीटर, तो आर हमारा कितना आ गया 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट्स आपका ज़रूरी है। अगर मान लो 37.5 सेंटीमीटर अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा यूनिट, तो क्या बोलेगा वो, 35.7 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, या फिर किलोमीटर, किलोमीटर भी जा सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपका यूनिट दे रखा है 37.4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को ही अगर आप डालोगे तो ये हमारा कैरी फॉरवर्ड यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ लेते हैं अगर, अच्छा इसमें पाई बता भी रखा है 22/7, बट जब भी काटा पीटी वाला है, काटा पीटी जैसे आपको लगे जैसे फ्रैक्शन में जा रहा है ऊपर या नीचे, तो मैं आपको बता देता हूँ, पाई की वैल्यू हमेशा आप 22/7 लेना, 3.14 मत लेना, क्योंकि काटने में दिक्कत होती है, 22/7 लेना और थोड़ी सी आपको आसानी होगी, वरना 3.14 लगे तो पहला तो डेसिमल में चला जाएगा, डेसिमल में जाता ही आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डेसिमल में थोड़ा सा मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना पड़ता है और थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अपना अगला देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 4, चौथा एग्जांपल, नोट कर लो इसे, मैं मिटा रहा हूँ इसे, चौथा एग्जांपल आपका घड़ी का है, तो क्या घड़ी देख के नहीं यार, मैं यहीं पे बनाता हूँ घड़ी, टेंशन ना लो। चौथा एग्जांपल आपका क्या है, किसका है, घड़ी का, तो घड़ी से क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे, नो डाउट इसमें आपसे घड़ी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें बढ़िया बढ़िया घड़ी के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हमारे बन सकते हैं, हमारा बनेगा आर की क्वेश्चन में रेडियस इंटू थीटा, इस फॉर्मूले पे हमारा ये घड़ी वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, आर की क्वेश्चन में रेडियस इंटू थीटा, इस कॉन्सेप्ट पे हमारे घड़ी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, घड़ी वाले नहीं टायर वाले बनते हैं, जैसे रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसके बेस पे भी बनते हैं, तो वो आगे क्वेश्चन है 3.1 में, तो वो मैं करवा दूंगा आपको, टेंशन ना लो। एग्जांपल नंबर 4, चौथे एग्जांपल में हमसे क्या कह रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक घड़ी बना ले अच्छा लगेगा, तो ये हमारा कुछ ऐसा घड़ी बना लेते हैं, ये हमारा क्या है घड़ी बन गया, इस घड़ी में 1.5 सेंटीमीटर क्या है, मिनट हैंड है, मिनट हैंड हमारा कितना है 1.5 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मिनट हैंड जो हमारा होता है ये तो हमारा यहाँ पर टच नहीं करता, ये हमारा क्या यहाँ पर टच करता है एकदम, जैसे कि मान लो ये हमारी घड़ी है, घड़ी है प्यारी सी, ऐसी घड़ी आपने देखी होगी, घड़ी की दो रेडियस होती है, आपने ध्यान दिया होगा, तो दो रेडियस होती है, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। इनर रेडियस वो होती है जिस पे आपके नंबर लिखे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो 6 लिखा है, 12 लिखा है, 1, 2, यहाँ पर हमारा 3 आएगा, यहाँ पर 4, 5, 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, 10, 11, तो ये जो नंबर जो लिखे हैं ये सारे जो आपके काउंटिंग जो लिखी है ये आपकी इनर रेडियस पे लिखी है, इनर रेडियस है। स्क्वायर वाले को यार मत गिनना, पता चले आपके घर में स्क्वायर वाली घड़ी हो, फिर आप बोलो जो क्या बोल रही है, उसमें तो रेडियस हो नहीं सकता स्क्वायर में, मत गिनना उसे, ऐसे समझो गोल वाली घड़ी के एग्जांपल लेके समझो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनर रेडियस है, हमारा इनर रेडियस है। जब भी आपका घड़ी का क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि पहले जो घड़ियाँ बनती थी वो आपकी सर्कल में बनती थी, बट अभी ये एक्सेप्शन पैदा हो गया कि घड़ी स्क्वायर में ही बना देते हैं, किसी किसी में तो क्या चिड़िया उड़िया के शेप में बना देते हैं, कभी कुछ में बना देते हैं, बट जो आपके जो स्टैंडर्ड घड़ी है वो आपका सर्कल के हिसाब से माना जाता है। तो कभी भी आपका घड़ी वाला क्वेश्चन आए तो आप उसे सर्कल से मानना, पहली चीज़ तो आपको ये करना है। दूसरी चीज़, जो आपका जो मिनट हैंड वाला है, जो आपका मिनट हैंड वाला कौन सा होता है, आपकी सबसे लंबी वाली सुई, उसको आपको क्या मानना है कि हमेशा वो इनर रेडियस को टच करता है, इनर रेडियस हमारा कौन सा, ये वाला रेडियस जो जिस पर हमारा नंबर लिखा रहता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इनर रेडियस। तो आपको मानते हुए चलना है कि ये हमारा इसको टच करता है, बट आपने देखा होगा हल्का सा गैप रहता है, हल्का सा, तो आपको क्या करना है, मानते हुए चलना है कि वो इसको टच करता है पूरा, तो आपका मिनट हैंड इसको पूरा टच करता है, तो ये आपको मानते हुए चलना है पहली चीज। दूसरी भी, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, आपको मिनट हैंड की साइज दे रखी है, तो मिनट हैंड हमारा कितना लंबा है ये हमें बता रखा है, मिनट हैंड लेंथ हमें कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर मिनट हैंड हमें इतना दे रखा है।
उसके बाद हाउ फार डज इट मूव्स इन 40 मिनट्स, हमसे पूछ रहा है मूव इन 40 मिनट, डिस्टेंस मूव इन 40 मिनट, 40 मिनट में हमारा ये कितना कवर करेगा डिस्टेंस, 40 मिनट में हमारा डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये हमसे पूछ रहा है। पहले तो क्वेश्चन समझो 40 मिनट में कितना कवर करेगा, 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा किसकी डिस्टेंस की बात हो रही है, इस मिनट हैंड वाले की डिस्टेंस की बात हो रही है, इस मिनट हैंड वाले की डिस्टेंस की बात हो रही है। तो मिनट हैंड हमारा डिस्टेंस कैसे कवर करेगा, क्या कैसे करेगा, ऐसे ही कवर करेगा, इस पर ही कवर करेगा ना हमारा मिनट हैंड वाला, मिनट हैंड हमारा इस पर ही कवर करेगा, ये हमारा इस पर ही कवर करेगा मिनट हैंड वाला। तो ये इसका जो पाथ जो है, पाथ ऑफ मूविंग, मैं इसको बोल सकता हूँ यानी कि इनर रेडियस में हमारा जो मिनट हैंड वाला है ये हमारा इस पर ही मूव करेगा, इस पर ही अपना ये मूव करेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमें से पूछ रहा है कि 40 मिनट में हमारा कितना मूव कर जाएगा। तो मान लो मैं इसको मिटा रहा हूँ, शुरुआत हमारा 12 से होता है, शुरुआत हमारा 12 से होता है, 12 से हमारी घड़ी की शुरुआत होती है ना, मानते हुए चलते हैं 40 मिनट, देखो हमारा कहाँ तक कवर हो रहा है, 40 मिनट हमारा यहाँ तक कवर होगा 8:40 यहाँ तक, तो यानी कि यहाँ तक हमारा आएगा, यहाँ तक हमारा कुछ आएगा, यहाँ तक हमारा आएगा 40 मिनट, 40 मिनट हमारा कितना जाएगा यहाँ तक। तो हमसे पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा, क्वेश्चन में ध्यान दो हाउ फार डज इट टिप्स मूव, बात ध्यान देना, इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव, इस क्वेश्चन ने पूछ रखा है हाउ फार डज इट टिप्स मूव, टिप्स बोल रखा है, टिप्स बात ध्यान देना, टिप्स मूव, तो टिप आपको कितना घुमा है देखो, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, यानी कि यहां से लेके 12 से लेके 8 तक का डिस्टेंस हमें ये निकालना है, 12 से लेके 8 तक का हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अच्छा पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन एक कभी बार आपसे पूछा जाता है हाउ मच एरिया डज इट स्वेप्ट, हाउ मच द एरिया डज इट स्वेप्ट बाय द रेडियस, हाउ मच एरिया, थोड़ा डिस्टर्बेंस था तो उसको मैंने बंद कर दिया अभी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ फार डज टिप्स मूव इन 40 मिनट्स, हमसे 40 मिनट पूछ रहा है ये टिप हमारा कितना मूव करेगा, 40 मिनट में हमारा टिप कितना मूव करेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देख लेते एक बार 40 मिनट में हमारा मूव कितना करेगा, तो हाँ पहला चीज मैंने क्या बताया था, पहली चीज की है, दो तरह के इसके क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो हाउ फार डज इट टिप्स मूव यानी कि हमारा टिप जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसे कहने का मतलब यही है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इसके लिए हम आर्क डिस्टेंस निकाल देंगे, आर्क लेंथ। अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि हाउ मच एरिया डज इट स्वेप्ट, हाउ मच एरिया डज इट स्वेप्ट, दो तरह के क्वेश्चन है, पहला हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर, दूसरा हाउ मच एरिया डज इट स्वेप्ट, दोनों अलग क्वेश्चन है। अगर एरिया स्वेप्ट बोला जाए तब आपको ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, अगर एरिया स्वेप्ट बोला जाए तो, बट हमसे क्या पूछा है हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर, तो डिस्टेंस कवर करने हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये जो आर्क डिस्टेंस है, आर्क लेंथ है, हमें ये निकालना पड़ेगा, हमें आर्क लेंथ निकालना पड़ेगा। तो हम आर्क लेंथ निकाल लेते हैं, तो हम आर्क लेंथ निकालते हैं हमें, तो अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, हाउ फार डज इट टिप्स मूव, हमसे ये पूछा था क्वेश्चन। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं रेडियस हमारा आर, इसको मैंने मान लिया हमारा रेडियस आर है, ये हमारा रेडियस आर है। अच्छा रेडियस हमारा आर हो गया, तो लेंथ आर हमारा क्या है, आर हमारा कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों इसकी हमें दे रखी है लेंथ ऑफ द मिडल हैंड, लेंथ ऑफ द क्या है मिनट हैंड हमारा 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर हमें मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है। अच्छा हाउ मच मूव इन 40 मिनट्स, हमसे ये पूछ रहा है, हमारा ये क्वेश्चन है। अब हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है आर्क लेंथ निकालनी है, तो आर्क लेंथ निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो रेडियस और एक हमारे पास एंगल चाहिए। अब हमें एक एंगल चाहिए, हमारे पास रेडियस तो है, हमें एक एंगल चाहिए, एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारा तरीका, अगर ये 60 मिनट्स में बताओ कितना एंगल, 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर कर लेगा ये, 60 मिनट में 2π यानी कि 360 डिग्री, पहले तो 360 डिग्री, 60 मिनट में कितना कवर कर लेगा 360 डिग्री, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक सर्कल का पूरा सम कितना होता है, एक सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो ये अपना 360 डिग्री। अगर मैं पूछूं वही 40 मिनट में हमारा डिस्टेंस कवर करेगा कितना करेगा 40 मिनट में, तो 40 मिनट के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो 40 मिनट के लिए या फिर ऐसे समझ लो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे 360/60, तो 1 मिनट में अपना 60 डिग्री कवर करेगा, 1 मिनट में अपना 60 डिग्री कवर करेगा। क्या करा हमने, 60 से डिवाइड ही तो कर दिया,
वन हमारा नीचे चला गया, यानी कि एक मिनट में हमारा 60 डिग्री कवर करेगा, एक मिनट में अपना 60 डिग्री कवर करेगा। अच्छा अगर मैं 40 मिनट में क्या बात करूं, तो 40 मिनट में कितना वर्क कर गया, तो हम इसे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 इंटू में 40, 40 मिनट में हमारा कितना वर्क करेगा, 60 डिग्री इंटू में 40, तो कितना आ गया, कुछ गलत, अच्छा ये 60 6 डिग्री होगा ना, 6 डिग्री, तो 6 डिग्री इंटू में 40, 40 मिनट में हमारा कितना वर्क करेगा, 6 डिग्री इंटू में 40, तो हमारा कितना चला गया ये 240 डिग्री, ये अपना 240 डिग्री वर्क करेगा, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई 240 डिग्री, हमारा क्या है ये एंगल है, एंगल हमारा कितना है 240 डिग्री, यानी कि हमारे पास ये क्या मिला, ये हमें मिला और ये अपना कितना मिला गया 240 डिग्री मिल गया। अब हमें कितना क्या क्या मिल गया, अब हमें एक आर ये भी मिल गया, थीटा, थीटा हमारे पास कितना मिल गया 240 डिग्री। अब बस हमें आर्क निकाल दो फटाफट फॉर्मूला डाल के, क्या फॉर्मूले में हम डायरेक्ट 240 डिग्री डाल दे, नहीं हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेते, तो रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 240 डिग्री पाई बाई 180 डिग्री, देखो तो डिग्री हमारा हट जाएगा 0 से 0, ये अपना 3 6 18 4 6 24 4 पाई बाई 3 रेडियन, तो थीटा अपना कितना आ गया 4 पाई बाई 3 रेडियन, थीटा अपना 4 पाई बाई 3 रेडियन, तो देख लेते हैं आगे, अब तो थीटा अपना कितना आ गया 4 पाई बाई 3 रेडियन, अब मिटा दो, मैं इसे नोट कर लो, तो क्या क्या अपने को मिल गया, अपने को थीटा भी मिल गया और अपने को रेडियस भी मिल गया। अब हमें आर्क निकालना है, तो आर्क हमारा क्या होता है, आर्क हमारा फॉर्मूला आता है एल इंटू, आर्क हमारा क्या होगा एल इक्वल टू में आर थीटा, रेडियस इंटू में थीटा, रेडियस हमारा कितना है 1.5 सेंटीमीटर और अपना और थीटा कितना है, एंगल कितना है 4 पाई बाई 3 रेडियन। अब देखो कुछ कट रहा है, 3 से देखो 0.5, तो अपना कितना आ गया ये 2 पाई, तो आर्क हमारा कितना घूमेगा 2 पाई, तो आर का जो हमारा जो कितना मूव करा 2 पाई, या फिर इसको हम सॉल्व करें तो और कितना जाएगा ये 2 × 22/7, तो यानी कि 44/7, और इसे और सॉल्व करें कितना जाएगा ये हमारा कुछ 7 6 42.20, 7 × 14 6 7 8 56, 6.28 सेंटीमीटर का लगभग हमारा क्या है आर्क डिस्टेंस हमारा ये कवर कर लेगा, 6.28 सेंटीमीटर लगभग हमारा ये डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो बढ़ लेते हैं आगे, एग्जांपल नंबर 5वां, अब हम देखते हैं 5वां एग्जांपल, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इंक रिफिल कर देता हूँ, तो रुक जा, तो अपना चौथा एग्जांपल तो हो गया था, अब देखते रहते हैं 5वां एग्जांपल, हमारा 5वां एग्जांपल क्या कह रहा है, फिफ्थ एग्जांपल में हमें क्या बोल रहा है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन द टू सर्कल सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री और 110 डिग्री, क्या क्या बोल रखा है, दो सर्कल है हमारे पास, पहला एक सर्कल ये है, कुछ दो सर्कल हम बना लेते हैं, एक सर्कल हमारे पास ये है, एक सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या बता रखा है, एंगल्स हमें दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री करीब इतना होगा, और एक हमें एंगल सबटेंड कितना कर रहा है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री थोड़ा सा ज़्यादा होगा 90 से, तो एक अपना 65 डिग्री, एक अपना 110 डिग्री। अब हमसे रेडियाई, जो रेडियाई का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो रेडियाई हम किसे बोलते हैं, हम रेडियस को भी रेडियाई बोलते हैं, तो रेडियस को भी हम क्या बोलते हैं, तो रेडियाई बोलते थे, तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस क्या हमें रेशियो पूछ रहा है, तो पहले लेट आर वन एंड आर टू बी दी रेडियस ऑफ सर्कल वन एंड टू, इसको मान लेते पहला सर्कल, इसको मान लेते दूसरा सर्कल, तो इन पहले दोनों सर्कल का रेडियस हमारा क्या है आर वन एक का और एक का हमारा आर टू, तो ये हमारा कितना हो गया आर वन, ये हमारा हो गया आर टू। अब हमसे पूछा क्या है, रेशियो पूछा, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा R1 बटे में R2, हमसे ये पूछ रहा है, हमें ये निकालना है R1 बटे में R2, तो अब क्या चाहिए हमें, R1 चाहिए, पहले R हमारा क्या होता है L इक्वल टू में R थीटा, तो यहाँ से हमारा R कितना हो गया L अपॉन में थीटा, R अपना कितना हो गया L अपॉन में थीटा, तो ठीक है, तो R की जगह हम क्या डाल देंगे L अपॉन में थीटा 1 और नीचे L अपॉन में थीटा 2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें एक चीज़ है कि आपको ध्यान रखनी है कि थीटा तो हमारा डिग्री में, बट हमें यहाँ पर तो रेडियन में चाहिए, यहाँ पे हमें रेडियन में डालना है, और यहाँ पे भी हमारा थीटा डिग्री में, बट हमारा डिग्री में हमें यहाँ पर रेडियन में डालना है, तो हम इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 65 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 65 अपॉन इंटू में पाई अपॉन 180 कितना जा रहा है 13 × 5 = 65 और ये 36 × 5 = 180, तो 13 π/36 इतना आ गया, तो ये अपना कितना आ रहा है L अपॉन में 13 π/36
एक, दूसरा एल अपॉन में है। अब हमें दूसरा भी निकालना है, दूसरा हमारा कितना है 110 डिग्री, 110 डिग्री हमारा निकाल लेते हैं। तो 110 डिग्री क्या होगा, 110 इंटू में पाई बाई 180, तो जीरो से जीरो, तो अपने तो 11 पाई अपॉन में 18 डायरेक्ट आ गया। दूसरा अपना कितना आ रहा है, 11 पाई अपॉन में 18, इतना हमारा आया, इतना अपना आ गया। पाई से पाई हमारा कट जाएगा, ठीक है, एल से एल भी हमारा कट गया, एल से एल भी हमारा कट गया। अब या फिर इसे और अच्छे से मैं लिख दूँ, अगर मैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसे और अच्छे से कहाँ लिखूँ, मैं ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक है, नोट कर लो, ऊपर वाला सर्कल में मिटा देता हूँ, मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ। तो ये अपना कितना हो जाएगा, एल अपॉन में 13 पाई अपॉन में 36 और अपॉन में एल अपॉन में 11 पाई अपॉन में 18, ये अपना है, और बीच में अपना अपॉन है, ये अपना अपॉन है बीच में। अब देखो एल से एल हमारा पहले कट जाएगा, या फिर इसे और ऐसे कैसे लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, तो एल अपॉन में 13 पाई और अपॉन में 36 इंटू में एल अपॉन में 11 पाई अपॉन में 18। क्या किया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में रहेंगे ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे दोनों आपस में। अरे ये देख लो ना, एल अपॉन मान लो ए अपॉन बी है, ऐसा कुछ है, तो मैं इसको एल अपॉन ए अपॉन बी है, तो इसको मैं एल अपॉन ए भी नहीं लिख सकता क्या, मैं इसे लिख सकता हूँ, तो वही मैंने लिख दिया 13 पाई अपॉन में 36 इंटू में एल अपॉन में 11 पाई अपॉन में 18, यही लिख दिया। अब ये देखो, अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ से पाई हमारा पहले तो कट गया, ये देखो 18 दूनी 36, ये एल से एल हमारा कट गया, तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है, देखो 11 दूनी 22 13, कितना आया ये 1 अपॉन में 13 अपॉन में 22, ये इतना आंसर आ गया कट पिट आके, 22 अपना ऊपर चला जाएगा और 13 अपना नीचे आ जाएगा, तो इतना हमारा आंसर आ गया। तो रेडियस का रेशियो कितना है 22 अपॉन में 13, तो अपना ये रेशियो है, रेडियस का रेशियो है। इसका जो मेन जो अच्छा सा पार्ट है वो है इसका यहाँ पे ये कैलकुलेशन, थोड़ा सा अच्छा, तो अच्छा क्या है, तो नॉर्मल अगर किसी को आता होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर आता जाएगा। बढ़ लेते आगे, या फिर यहाँ पर देखो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, एल अपॉन में थीटा 1 अपॉन में एल अपॉन में थीटा 2, ऐसा कुछ लिखा है ना ये, तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एल अपॉन में थीटा 1 और थीटा 2 हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो थीटा 2 हमारा यहाँ गया और एल हमारा यहाँ चला गया, देख लो इतना आ गया। अब मैं एल से एल हमारा काट दूंगा, एल से एल में काट दूंगा, क्या कह रहा मैंने, थीटा 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और एल हमारा इसके साथ चला जाएगा, तो ये हमारा आ गया। अब देखो थीटा 2 अपॉन में थीटा 1, थीटा 2 हमारा कितना आया था, थीटा 2 हमारा आया था 11 पाई अपॉन में 18 और थीटा 1 हमारा कितना आया था, थीटा 1 अपना आया था 13 पाई अपॉन में 36। अब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ फिर से जैसे मैंने इसको ऐसे किया, देखो सेम फॉर्मेट आ गया, फिर मैं इसे दोबारा ऐसे कर रहा हूँ, देखो तो ये अपना 11 पाई अपॉन में 18, अब इसको मैं दोबारा करूँगा तो 36 अपॉन में 13 पाई, अब देख लो ना, अब तो थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो पाई से पाई हमारा कट गया, ये 18 दुनी तो कितना आ गया हमारा 11 दुनी 22 अपॉन में 13, ये अपना रेशियो आ गया। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया और ये थोड़ा सा हमने पहले फॉर्मूले को अच्छे से बिठा लिया, फिर हमने वैल्यूज पुट करी, तो ये अपने एग्जांपल सारे निपट गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस फटाफट, नोट कर लो वरना वीडियो की लेंथ फिर से लंबी हो जाएगी। अभी आजकल मुझे थोड़ा सा वीडियो की लेंथ पे ध्यान देना पड़ता है, वरना 56 मिनट, पहले तो मैं डेढ़ घंटे दो घंटे की वीडियो बना देता था, उतना कोई दिख पाता नहीं है लगातार, इसलिए मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी छोटी बनाऊँ, बट फिर भी बन जाती है, आदत से मजबूर है। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस जितने भी हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन से हमसे क्या बोल रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं करूँगा क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। फाइंड रेडियन मेजर्स, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहला मैं करवाता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, तो ये 25 डिग्री दे रखा है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25 डिग्री को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कितने से जा रहा है ये, 25 हमारा जा रहा है, नहीं 50 36 प्लस 180, तो ये अपना 5 पाई अपॉन में 36, इतना हमारा आ गया। ऐसे करते करते सारे कर सकते हो। दूसरा वाला देखो, अच्छा दूसरे वाले में एक चीज़ का ध्यान रखना, अब देख लेते हैं दूसरा वाला पार्ट, -47 डिग्री 30 मिनट। अब इसको ब्रेक हम कैसे करेंगे, देखो -47 डिग्री तो हमारा है ही, ठीक है, और अभी देखो यहाँ पर 30 अपॉन में 60 और इसे हमारा किस में चला जाएगा, डिग्री में, जो हम करते थे। अब यहाँ पे मसला ये है, हम यहाँ पे प्लस लगाए माइनस लगाए,
अब यहाँ पे हम प्लस लगाए माइनस लगाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर बाहर ब्रैकेट लगाओ, सबसे पहले बाहर ब्रैकेट लगाओ, और प्लस में यहाँ पर प्लस ही लगाओ जो हम पहले लगाते थे, ठीक है। बाहर ब्रैकेट लगाओ, क्यों बाहर ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि दोनों एक साथ है ना ये, क्यों दोनों एक साथ है, दोनों के बीच में रिलेशन हमारा कैसा होना चाहिए, एडिशन का, और ये माइनस हमारा ओवरऑल सब पे जा रहा है ओवरऑल, तो इसलिए माइनस हमारा बाहर और अंदर हमारा एडिशन। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हमारा 47 डिग्री प्लस में 1/2 डिग्री, तो ये हमारा कितना आ रहा है, माइनस हमारा बाहरी कितना चला जाएगा, 95/2 डिग्री, इतना हमारा आ गया। अब इनटू में पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो भी आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 19/95, 36/180, तो हमारा आ गया -19π/36^72 रेडियन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो ऐसे आपको माइनस का आपको ध्यान रखना है, माइनस आपको बाहर रखना है और आपको ब्रैकेट लगा देना है, और ब्रैकेट के अंदर बीच में हमारे इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, एडिशन का रिलेशन है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा होगा। तो तीसरा चौथा तो कर लेना, क्योंकि सेम है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चाहो तो ये भी कर ही सकते हो, क्योंकि ये अब तक मैं बहुत सारे करवा चुका हूँ, तो आप कर ही लेना इसको। बोर्ड हिल गया। डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं भी करना शुरू करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। एक मैं फॉर्मेलिटी के लिए तीसरा वाला पार्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक दूसरे में एक चीज़ बताता हूँ, दूसरे में देखो क्या है, ये -4 है, तो माइनस को हटाना मत, तो -4 इंटू में पाई बाय सॉरी 180/π, और माइनस हमारा 7/7 कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो माइनस आपको ध्यान रखना है कि माइनस हमारा 7/7 कैरी फॉरवर्ड होगा। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला भी आसानी है, तीसरा वाला देख लो। एक मैं फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा ये मुश्किल तो है नहीं। इसको मैं क्या करना है, हमें 181π से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, तो पाई से पाई हमारा इसको चला गया, 3 से हमारा चला जाएगा 60 बार में, तो ये हमारा कितना गया, 6/30 300 डिग्री, ये अपना 300 डिग्री। तो ये मैंने फॉर्मेलिटी के लिए करा है, कोई इतनी खास तो है नहीं है, ये आप चाहो तो ये चुटकियों में हिला सकते हो। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री में अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्या बोल रखा है, एक व्हील है 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में कवर कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बता रखा है 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में कवर कर रहा है, अच्छा थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ये नहीं पूछना। अच्छा एक भी चीज मुझे बताओ, एक रिवोल्यूशन अगर वो कवर कर रहा है तो हमारा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 360 डिग्री। जैसे एक सर्कल है हमारा, ये हमारा क्या है, सर्कल है। जब ये मूव करेगा देखो तो कितना ये कवर कर लेगा पूरा, एक रिवोल्यूशन यहाँ से शुरू होगा, जहाँ से शुरू होते 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 हमारा यहाँ तक आ जाएगा। एक सर्कल का मतलब क्या है, पूरा एक बार घूमना, तो ये पूरा हमारा कितना है, 2π, यानी कि 360 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π रेडियन। तो ये हमारा एक रिवोल्यूशन में कितना कवर कर रहा है, एक रिवोल्यूशन में 2π रेडियन कवर कर रहा है। चलो इतना हो गया। अब पूछा गया क्वेश्चन में ये पूछा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, हमसे पूछ रहा है 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, तो उससे पहले हमें ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या था ये, 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन, ठीक है। अगर मैं 1 सेकेंड में निकालने के लिए बोलूँ, 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन है, 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन है, कैसे निकालोगे, तो 1 सेकेंड पहले तो उसको क्या करो, इसको हम पहले 60 सेकेंड्स लिख देते हैं, इसको हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं, इसको मैं 60 सेकेंड लिख देता हूँ, तो ये अपना 60 सेकेंड्स हो गया। तो 1 सेकेंड में हमारा कितना रिवोल्यूशन है, अब बताओ यहाँ से, अब तो दिख ही रहा है, क्या करना है हमें, 360/60, तो कितना रिवोल्यूशन हो गया अपना, 6 रिवोल्यूशन। 1 सेकेंड में हमारा कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, 6 रिवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से एक रिवोल्यूशन में हमारा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2π रेडियंस कवर हो रहा है, ठीक है। तो 6 रिवोल्यूशन में अपना कितना डिस्टेंस कवर होगा, 6 रिवोल्यूशन में बताओ, 6 रिवोल्यूशन में कितना होगा, 6 × 2π रेडियन, तो कितना आ गया अपना, 12π रेडियन। तो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में, अपना ये 12π रेडियन डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या करा, 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में बता रखा है, रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, ये हमारा
टायर है, मान लो आपके साइकिल का टायर, ये हमारा टायर है, रिवोल्यूशन क्या है, जैसे ये हमारा चला, ये हमारा रोड है, ये हमारा चला, ये हमारा क्या है, रोड है, ये हमारा चला, जब ये चलना शुरू करेगा तो कभी ये पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा कभी ये पॉइंट, जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये पॉइंट हमारा कभी यहाँ आ जाएगा, फिर ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, फिर ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, फिर हमारा वापस यहीं आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, मान लो ये हमारा क्या है, समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। मान लो ये मेरा क्या है, ये मान लो मेरा ये टायर है, ये मेरा टायर है, थोड़ा सा वजन कमजोर है उसकी वजह से। इस टायर में मैंने क्या करा, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया। एक रिवोल्यूशन का मतलब अब समझो क्या है, एक रिवोल्यूशन का मतलब अब समझो होता क्या है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया, ध्यान देना, ये मैंने पॉइंट को यहाँ पर रख दिया, ये हमारा क्या है, रोड है, ये बुक हमारी क्या है, रोड है, मैंने इसको यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा देखो, और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है। एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, जब ये इसको हम जब घुमाएंगे, इसको जब हम घुमाएंगे, घुमाने के बाद जब ये पॉइंट हमारा, जब तक दूसरी बार ना आ जाए, देखो दूसरी बार ना आ जाए, आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक रेवोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं वन रेवोल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, वन रेवोल्यूशन। तो ये हमारा क्या है, वन रेवोल्यूशन। तो वही क्या है, एक 360 रेवोल्यूशन एक मिनट में कवर कर रहा है, तो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करेगा, 360 / 60, छह रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना चल रहा है वो, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2π रेडियंस, 2π रेडियंस, एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियंस, तो 6 रेवोल्यूशन में अपना 12π रेडियंस। नोट कर लो, तीसरा जो क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में से क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है, एक सर्कल दे रखा है, फिर से एक सर्कल है, इस सर्कल में क्या है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। इसमें क्या दे रखा है, पहले तो एक रेडियस दे रखा है, समझो क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, रेडियस हमारा कितना है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस हम क्या बोलेंगे, आर्क, पहली चीज। दूसरी चीज हमें दे रखा है, आर्क दे रखा है, लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क हमें कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, थीटा, एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि रेडियस और आर्क हमें दे रखा है और हमारे पास रिलेशन है एल इक्वल्स टू में आर थीटा, तो थीटा हमें निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन वैसे क्या पूछ रखा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सबटेंडेड एट द सेंटर का मतलब क्या है, अगर ये सेंटर है, सेंटर है, यहाँ से मान लो रेडियस हमारा यहाँ पर से शुरू है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस हमारा कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। जब यहाँ से 22 सेंटीमीटर चलेगा, यहाँ से इस पॉइंट से जब 22 सेंटीमीटर कवर कर लेगा, इस पॉइंट से जब 22 सेंटीमीटर कवर करेगा, तब ये हमारा एंगल कितना सबटेंड होगा, कितना हमारा एंगल कटेगा, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो निकाल लेते फटाफट, तो एल इक्वल्स टू में आर थीटा, एल इक्वल्स टू में आर थीटा, एल हमारा कितना है, 22, आर हमें कितना दे रखा है, 100, और थीटा हमारा क्या है, एज इट इज, और दोनों हमारे सेंटीमीटर में, इसलिए हमें यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 22/100, यानी कितना आ गया हमारा, ये 11/10, ये अपना क्या कितना आ गया थीटा। एक चीज, अब पहला सवाल, ये क्या डिग्री में है या रेडियन में है, ये डिग्री में है या रेडियन में, सोच के बताओ, ये डिग्री में है या फिर रेडियन में है, इसका जवाब है रेडियन में, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है जब भी इसमें डालो तो इसमें रेडियन में डालो, थीटा जब भी हम डालते हैं इस फॉर्मूले में हम रेडियन में डालते हैं, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो उसमें हम एंगल जब भी डालते हैं तो रेडियन में डालते हैं, तो ये अपना रेडियन में, जाहिर सी बात है रेडियन में आ गया। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिग्री मेजर, शुरुआत में बोल दिया डिग्री मेजर, रेडियन मेजर नहीं बोला, डिग्री मेजर बोला है, तो इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ गया हमारा, 11/10, और हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/pi से मल्टीप्लाई कर दो, 180/pi से, जब पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं पाई की वैल्यू 22/7 लिख रहा हूँ, 22 और 7 हमारा ऊपर, तो कुछ जा रहा है, देखो 11 से तो ये 2 जा, ये 0 से हमारा 0 कट गया, 2 से हमारा 9, तो कितना आ गया, ये 7/63, ये अपना 63 आ गया, 7/63। तो ये अपना क्वेश्चन था, बस ये आपको ध्यान देना था कि ये डिग्री मेजर्स में बोल रखा है, रेडियन मेजर में नहीं बोला, डिग्री मेजर में बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर अब पाँचवा देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन में एक सर्कल है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब देखो क्या बोल रखा है,
इधर सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है, सर्कल है, अच्छा सा प्यारा सा सर्कल है, थोड़ा सा अजीबोगरीब बन गया। इसमें 40 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली चीज, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब देखो कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब कॉर्ड हमारा होता है कहीं से भी एक पॉइंट खींचो और यहां से हमें एक एंगल बना दो, यहां से एक सीधी सीधी लाइन बना दो, ठीक है। और इसमें क्या बोल रखा है, माइनर आर्क, माइनर आर्क का मतलब क्या है, छोटा वाला आर्क, छोटा वाला आर्क, माइनर आर्क मतलब छोटा वाला आर्क। क्वेश्चन मैं दोबारा समझा दूं, हो सकता है आपको समझ में आया हो, डायग्राम मैंने अच्छे से नहीं बनाई। एक हमारा सर्कल है, एक हमारा सर्कल है, अच्छा कॉर्ड का मतलब क्या होता है, मैं पहले फोन में बता दूं, जैसे एक सर्कल है, कॉर्ड का मतलब क्या है, कॉर्ड एक ऐसा पॉइंट है, कॉर्ड एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट को टच करता है, ठीक है। अब ये तो आप बोलोगे ये हमारा डायमीटर भी ऐसा ही होता है, हमारा डायमीटर भी ऐसा ही होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बट डायमीटर में क्या रहता है आपका, डायमीटर देखो ये, अच्छा एक चीज बताऊं, ये क्या है हमारा, मैंने क्या बनाया, ये कॉर्ड है, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा कॉर्ड है, ये भी हमारा कॉर्ड है और ये भी हमारा कॉर्ड है, इसको भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं। ये देखो छोटे वाला जो है इसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे, इसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे, इसको भी कॉर्ड बोलेंगे, इसको भी कॉर्ड बोलेंगे, इसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे। तो रेडियस सॉरी डायमीटर और कॉर्ड में हमारा अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, तो डायमीटर जो है हमारा, डायमीटर हमेशा जब भी ड्रॉन होता है, जब भी हम डायमीटर को ड्रॉ करते हैं, तब वो जो हमारा जो सेंटर है, सेंटर को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी कि सर्कल को क्या करता है, सेंटर क्या करता है, वो काटते हुए जाता है, डायमीटर क्या करता है, सेंटर को इंटरसेक्ट करता है, कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड में नॉट नेसेसरी, कॉर्ड में नॉट नेसेसरी, कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो हमारा सेंटर को क्या करे, इंटरसेक्ट कर। देखो क्या ये सेंटर को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट, ये भी नहीं, बस ये कर रहा है, ठीक है। पहली चीज क्या होनी चाहिए, कॉर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, फ्रॉम वन पॉइंट सर्कल टू अनदर पॉइंट, ये अपने हिसाब से लिख लेना, अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू होकर अनदर पॉइंट को टच करना चाहिए, ठीक है। तो डायमीटर और कॉर्ड में हमारा फर्क क्या है, कि डायमीटर हमेशा सेंटर को काटते हुए जाता है, बट कॉर्ड हमारा सेंटर को काटता नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा फर्क बता दिया, अब देख लेते हैं, अब क्या क्या इसमें बोल रखा है, अब इसमें हमसे बोल रखा है सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मैं ऐसे बना रहा हूं, रेडियस मैं इसे ऐसे बना रहा हूं, ये हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अच्छा द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर कहीं यहां कहीं होगा, तो 20 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड यहां पे ही बनेगा और एक हमारा यहां पे ही बन सकता है, हमेशा याद रखना कि कॉर्ड हमेशा अगर बनाओ तो कॉर्ड हमारा पेयर में ही बन सकता है, कॉर्ड हमेशा पेयर में बन सकता है, अगर एक कॉर्ड यहां पर है तो एक कॉर्ड हमारा यहां पर ही बन जाएगा, ठीक है। तो वो अपने कॉर्ड टेंथ में ढंग से पढ़ा होगा, अब ज्यादा इसे डेप्थ में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कॉर्ड हमारा कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, अच्छा जब भी कॉर्ड जब डिस्टेंस काटता है तो एक तो माइनर आर्क बनती है, छोटा वाला जो एरिया जो हमारा होता है उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, और जो बड़ा वाला जो एरिया होता है उसको हम मेजर आर्क बोलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, हमें ये निकालना है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालना है। अब यहां पर ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं मैं, रेडियस हमारा क्या होता है, रेडियस हमारा ये होता है किसी भी सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक बनाओ तो हमारा सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर टच करो, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच करो तो हमारा रेडियस है। अगर ये मेरा रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो क्या बताओ ये मेरा रेडियस नहीं होगा, ये मेरा रेडियस होगा। अच्छा अगर ये मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये अपना कितना रेडियस है 20 सेंटीमीटर, पता रखा है ना, रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर, दोनों रेडियस हमारे कितने हैं 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हमने क्या कर दिया, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये हमारा रेडियस पूछा है, ये हमारा क्या पूछा है, आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, हमसे ये पूछा नहीं कितना स्वेप्ट है, हमसे लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है। तो ये हमारा सिर्फ हमें ये पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, ये हमारा क्या है, एल है। अच्छा यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल को मैं बाहर बनाऊँ, मैं इसको यहाँ बाहर बना रहा हूँ,
बाहर मैंने बना दिया, ये मेरा 20 सेंटीमीटर, ये मेरा 20 सेंटीमीटर, ये मेरा 20 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा जो एंगल होता है वो हमारा पाई बाई थ्री रेडियन, मतलब 60 डिग्री और 60 डिग्री हम क्या बोलते हैं, पाई बाई थ्री रेडियन। तो यहाँ से हमारा थीटा भी निकल गया, यहाँ से हमारा थीटा भी निकल गया, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा पाई बाई थ्री रेडियन, ये अपना पाई बाई थ्री रेडियन, पाई बाई थ्री रेडियन। और देखो अगर मैं इसको मिटा दूँ, इस कॉर्ड को मैंने मिटा दिया, क्योंकि हमारा क्या गया, ये हमें एंगल मिल गया पाई बाई थ्री रेडियन, और हमें निकालना क्या था, हमें ये पॉइंट निकालना था, हमें ये आर्क लेंथ निकालनी थी। तो इसके लिए तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या था फॉर्मूला, एल इक्वल टू में आर थीटा, लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क, आर हमारे पास कितना है पाई बाई थ्री, सॉरी ये तो रेडियस हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, और एंगल हमारे पास कितना दे रखा है पाई बाई थ्री। तो हमारा आंसर आ गया कितना है ये 20 पाई अपॉन में 3 रेडियन। क्या किया पहले, लेंथ ऑफ द कॉर्क बना रखा था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड दे रखा था, सेंटर से अगर कि सर्कल किसी भी पॉइंट को टच करे तो वो हमारा रेडियस होता था। तो मैंने इसको इस कॉर्ड को टच करता हुआ यहाँ से यहाँ तक बना लिया, इस कॉर्ड को भी टच करता यहाँ से यहाँ तक बना लिया, ये रेडियस हमारा 20 था, तो ये भी रेडियस हमारा 20, ये भी रेडियस हमारा 20, ये कॉर्ड हमें 20 दे रखा था। अब ये तीनों मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बन गया, क्वाड्रिलेटरल बनते ये हमारा पाई बाई थ्री रेडियंस यानी कि 60 डिग्री, ये भी हमारा 60, ये भी हमारा 60। तो हमारा एंगल कितना सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री। अगर मैं इस कॉर्ड को मिटा दूँ, अब इस कॉर्ड को अगर मैं मिटा देता हूँ तब हमारा कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये L इक्वल टू में 8 थीटा। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्योंकि हम सीखते हुए आ रहे हैं, ये हम सीखते हुए आ रहे हैं ना, ये अगर कोई सर्कल है तो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, अगर ये हमारे पास थीटा यहाँ पर दे रखा है, आर यहाँ पे दे रखा है, एल हमारे यहाँ पे, तो L इक्वल टू में क्या है, L इक्वल टू में 8 थीटा। ये हम फॉर्मूला लगाते हुए आ रहे हैं और वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं अच्छे से डेफिनेशन वाइज लिखूँ तो लिख देना डेफिनेशन वाइज भी, तो ये तो हो गया समझाने के लिए। डेफिनेशन वाइज कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन वाइज क्या लिखेंगे, पहले लेट, मैं इस कॉर्ड को क्या मान लेता हूँ, ए बी मान लेता हूँ, लेट ए बी बी दी कॉर्ड, ए बी बी दी कॉर्ड, ए बी हमारा क्या है कॉर्ड है, मैंने कॉर्ड मान लिया इसको, ए बी हमारा क्या है कॉर्ड है, ए बी हमारा कॉर्ड है, और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है कॉर्ड की 20 सेंटीमीटर। अच्छा बाय दी फिगर, जो हमने फिगर ऊपर बना रखी, फिगर बनाना जरूर, बाय दी फिगर, इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफोर एंगल सबटेंडेड कितना हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और इसको हम पॉइंट आउट करेंगे रेडियन में, क्यों, क्योंकि हम रेडियन में फॉर्मूले में डालते हैं, तो हमारा कितना जाएगा ये पाई बाई थ्री रेडियन। और उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या वी नो दैट एल इक्वल्स टू में क्या होता है रेडियस इनटू में थीटा, एल हमारे निकालना है, रेडियस हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर और थीटा हमने निकाला था पाई बाई थ्री, कितना आ गया अपना यहाँ से 20 पाई बाई थ्री रेडियन, क्या है अपना लेंथ। थोड़ा सा देख लेना, मैं छोटा छोटा शायद मैंने लिख दिया, ये शायद ही आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो लेंथ अपना कितना आ गया 20 पाई बाई थ्री रेडियन। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद है हमारा छठा क्वेश्चन हमने अभी किया है एग्जांपल में, तो सेम हमारा क्वेश्चन है, बट मैं अगर मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, वरना मैं यहाँ पे करवा के जाऊँगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, देखो छठा क्वेश्चन, If in two circles, arc of the same length, subtended angle 60 degree, 75 degree. दो सर्कल है, एक सर्कल हमारा 60 डिग्री है, तो यहाँ कहीं, एक हमारे पास 75 डिग्री है, 75, तो 75 कितना होगा, लगभग इससे हल्का सा फर्क पड़ेगा, ये तो लगभग 75 डिग्री, देख लेना ऊपर नीचे बन गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रफ डायग्राम में, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियाई का रेशियो पूछ रहा है हमसे फिर से, तो लेट R1 and R2 be the radius of, ये रेडियस है या फिर रेडियाई ऑफ सर्कल 1 and 2 सर्कल का हमारा क्या है, ये रेडियस है। अच्छा अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, रेडियाई का रेडियस रेशियो, तो हमें क्या निकालना है R1 हमारा क्या हो जाएगा, R1 हमारा हो जाएगा L अपॉन में थीटा 1,
और आर टू हमारा क्या हो जाएगा, एल अपॉन में थीटा टू। अच्छा आर्क हमें ये आर्क ऑफ द लेंथ हमें स्कीम दे रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है, तो हम इसे एल से एल हम काट सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा रेशियो थीटा टू अपॉन में थीटा वन, थीटा टू अपॉन में थीटा वन। तो हमें ये निकालना है थीटा टू हमारा कितना है ये वाला, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा टू इक्वल टू में 75 रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बाई 180, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 15 से जाएगा 5 इंटू 15 और ये 12 इंटू 15, तो ये हमारा 5 पाई अपॉन में 12, तो कितना आ गया थीटा टू 5 पाई अपॉन में अपना 12। अच्छा ये थीटा वन हमारा कितना जाएगा 60 डिग्री है, तो ये पाई बाई 3 है, तो रटी चुका होगा, तो ये अपना कितना है पाई बाई 3, पाई से पाई हमारा कट गया, ये 3 4 सा, तो कितना आ गया ये 5 अपॉन में 4, तो रेशियो हमारा कितना आ गया 5 अपॉन में 4, नोट कर लो। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है, अगला वाला क्वेश्चन हमारा फिर से ये आपने करा हुआ है, अगला वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या है सेम है, तो मैं उसका एक पार्ट ही करवा दूंगा, कोई एक पार्ट करवा देता हूं। देख लो अगला क्वेश्चन सबसे आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड द एंगल इन रेडियन, ध्यान दो एंगल इन रेडियन, रेडियन में हमसे पूछ रहा है, और पिछले वाले में हमें एंगल इन डिग्री, एक में पूछा था एंगल इन डिग्री, इसमें बोल रखा है एंगल इन रेडियन, ठीक है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम दे रखा है। अब देखो पेंडुलम होता क्या है, मैं वो समझाता हूँ एक बार, पेंडुलम हमारा होता है जैसे कि यहाँ पर मैंने एक हिंज लगा दी, मतलब कि यहाँ पर मैंने एक कील ठोका, यहाँ पर मैंने एक रस्सी लगा दी, रस्सी मैंने मान लो ये हमारा इतना बड़ा हमारा रस्सी है, इस रस्सी में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एक पत्थर बांध दिया, क्या होता है पेंडुलम, पहले तो यहाँ पर मैंने कील ठोक दिया, तो ये हमारा क्या हो गया पक्का हो गया, टाइट हो गया, ये तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, एक रस्सी छोटी सी बांधी और इस रस्सी पे यहाँ पर नीचे एक मैंने एक पत्थर बांध दिया, तो ये याद करो बचपन में एक आता था ना जो रबड़ वाला, और नीचे सबसे नीचे बॉल लगाती थी, तो ऐसे ऐसे घुमाते थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे, तो उसकी लेंथ बढ़ती जाती थी, तो वो रबड़ होता था उसकी वजह से लेंथ उसकी बढ़ती जाती थी, बट ये हमारा क्या है सेम ही रहेगा क्योंकि रस्सी बांध रखी है। तो पूछा गया इसमें फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर, हमें लेंथ दे रखा है इसका 75 सेंटीमीटर है, इस पेंडुलम का लेंथ हमें दे रखा है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी चीज एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ, पहला आर्क हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो मैं 10 सेंटीमीटर वाला करवा रहा हूँ। अब पूछा क्या है, मान लो ये हमारा पेंडुलम क्या है रेस्ट पोजिशन पे है, ये हमारा रेस्ट पोजिशन पे है, मान लो मैं इस पेंडुलम को मैं यहाँ पे खींच के ले जाता हूँ, रस्सी है मैंने इसको उठा के यहाँ पर ले आया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया, मैंने यहाँ से इसको छोड़ा और एक इसने आर्क डिस्टेंस इसने कवर करा और एक इसने डिस्टेंस कवर करा, ये ऐसा कुछ जाएगा। फिजिक्स वालों को यहाँ पे वो मत नीचे कमेंट मत लिखना कि ये तो गलत है, तो पेंडुलम हमारा थोड़ा सा आगे जाएगा, ये मत करना क्योंकि हमारा एनर्जी क्या है, हमारे यहाँ पर एनर्जी हमारा क्या है ये लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से, एंगुलर एनर्जी के हिसाब से ये आगे और जाना चाहिए था, ये मत करना यार, मैं बस यहाँ पे समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, कोई कमेंट मत लिखना, ये सब मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता है, ऐसा नहीं है मतलब बिल्कुल भी अनपढ़ गवा दूँ, थोड़ा थोड़ा पता है, तो ये हमारा और कि मेरे हिसाब से आगे जाना चाहिए था, बट डायग्राम है तो इसमें मैं बनाता हूँ, तो ये हमारा कितना कवर कर रहा है 10 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, ये जो हमारा जो आर्क दे रखा है ये आर्क हमारा कितना कवर कर रहा है 10 सेंटीमीटर कर रहा है। अब ये आपके लिए हलवा क्वेश्चन बन गया, अगर ये 75 है तो ये भी अपना 75 है, ये भी अपना 75 है, अगर मैं इसको पूरा करूँ, अगर मैं इसको सेंटर मानते हुए इसको अगर मैं पूरा करूँ तो ये हमारा एक सर्कल नहीं बन जाएगा, ये अपना एक सर्कल बन जाएगा, इसको मैं सेंटर मानूंगा, इसको अगर मैं एक सर्कल पूरा कर दूंगा तो हमारा सर्कल पूरा बन जाएगा, पूरा सर्कल बन गया। अब हमें निकालना क्या है, अब देखो आर हमें दे रखा है 75 सेंटीमीटर, आर हमारा क्या है सॉरी सेंटीमीटर, आर हमारे पास 75 सेंटीमीटर और लेंथ हमें दे रखी है कितना है पहले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से फॉर्मूला कितना लगेगा एल इक्वल टू में आर थीटा, एल हमारे पास कितना है 10, आर हमारे पास कितना है 75, थीटा हमें निकालना है तो थीटा हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 75, तो ये कितना गया 2 अपॉन में 2 बजे 10 और ये 15 5 75, इतना हमारा आ गया 2 अपॉन में 15, थीटा अपना कितना आ गया 2.15 किसमें रेडियन में, अपना आंसर रेडियन में आया ही है और रेडियन में हमसे पूछ रहा है तो हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना, तो ये अपना आंसर कितना आ गया 2.15, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड वाला पार्ट, तो मैं इसको मिटा देता हूँ 10 सेंटीमीटर, अब सेकंड वाले पार्ट में हमारा कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो आर एल हमारे पास कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर,
एल हमारे अपने पास 15 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या था अपने को, एल इक्वल टू में आर थीटा, तो यहाँ से थीटा अपना कितना हो गया एल अपॉन में आर, एल अपना कितना है 15 अपॉन में आर कितना है अपना 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 अपॉन में 5, तो अपना कितना आगे आ गया 1 अपॉन में 5 रेडियन। ठीक है, अब एक आखिरी बचा ये क्यों छोड़ू, इसको मैं कर देता हूँ, थर्ड वाले में कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर थर्ड पार्ट अपना, तो यहाँ पर 75 की जगह 75 तो यही रहेगा, 15 की जगह पे 21 डाल दो, अब 15 की जगह पे 21 डाल दो, अब इसको सॉल्व कर दो कितना आ रहा है अपना, ये 7×21 और ये 25×75 तो 7/25 रेडियन आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना रेडियन आ रहा है, तो इसी के साथ अपना 3.1 खत्म हो गया, 3.1 अपना समाप्त हुआ। तो यही छोटा सा एक वीडियो था, छोटा सा नहीं, मुझे तो लग रहा है वीडियो लंबा बन ही गया होगा, अब वो तो एडिट होने के बाद ही पता चलेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में फिर और छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट लाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, प्रैक्टिस करते रहिए, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, तब तक के लिए बाय बाय।